उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के बहाने दलितों की सियासत की जो शुरुआत हुई उसका अंत होता नहीं दिख रहा है। रोज रोज नए बयानों से विवाद को हवा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले में मायावती भी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। मायावती अपने बयानों से बताने की कोशिश कर रही हैं कि दलितों की असली मसीहा तो वही है सिर्फ। देश की समस्त महिलाएं व शूद्र समाज यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े, जो सभी हिंदू धर्मावलंबी ही हैं तथा जिनकी कुल आबादी 97% है, को तो अपमानित किया ही जा रहा है। गौमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है क्या? बोलो बोलो हस बोले जी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट करके RSS पर निशाना साधा। हालांकि ये ट्वीट RSS नेता हसबोले को लेकर किया गया है, लेकिन इसके बहाने एक बार फिर से वही दलितों की सियासत का राग अलापा जा रहा है। सियासी दलों के बीच अब इस बात को लेकर होड़ मची है कि दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कौन है। सपा जहां रामचरितमानस की आड़ में बीजेपी को दलित विरोधी होने का प्रमाण पत्र बांट रही है, वहीं बीजेपी सपा पर ओछी सियासत करने का आरोप लगा रही है। सपा और बीजेपी के बीच जारी जंग के बीच पिछले दिनों मायावती की एंट्री ने इस सियासी जंग को और भी दिलचस्प बना दिया। अब मायावती सपा बीजेपी और अन्य तमाम दलों को दलित विरोधी बताने के अभियान में जुटी हैं। मायावती ने बैक टू बैक ट्वीट कर सपा समेत तमाम दलों पर निशाना साधा। मायावती ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST और OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान ना करे तथा ना ही संविधान की अवहेलना करे। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, इतना ही नहीं देश के अन्य राज्यों की तरह UP में भी दलितों, आदिवासियों व OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी भी कोई कसी से कम नहीं। रामचरितमानस विवाद के बीच आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी समेत तमाम राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी दलितों को अपमानित ना करे और अपमान करने में कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस, भाजपा, सपा कोई भी किसी से कम नहीं है। मायावती के हमले का सपा ने भी करारा जवाब दिया। जिनको लगातार अपमानित किया गया, जिनका आरक्षण छीना गया, जिनको नौकरी नहीं दी गई और जानबूझ करके जिनको परेशान किया जा रहा है, मुग्ध में लिखे जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी जब लड़ रही है तो स्वाभाविक है उन दलों को दर्द होगा जो घर बैठे। वही कांग्रेस ने मायावती को इशारों इशारों में बीजेपी का एजेंट बता डाला। कांग्रेस ने कहा कि जब जब बीजेपी फंसती है तब तब मायावती का बयान सामने आता है, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बहन जी ने हमेशा से ये काम किया है, जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है बहन जी से उबारने काम करती हैं। जब आज पूरा देश एक मत होकर अडानी भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ खड़ा है, बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर उसे बचाने काम कर रही है। यूपी में कुछ दिनों बाद निकाय चुनाव होने हैं और अगले साल फिर 2024 का चुनाव है। यूपी दलित वोटर्स की चुनाव में अहम भूमिका है और ये सारी कवायद दलित वोटर्स को साधने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।